Hello everyone, welcome back to the channel. Thank you so much for giving love to my previous video. और आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो कंप्लीट टॉपिक इस टाइप का होगा कि कैबिन क्रू को किस टाइप के होटल्स मिलते हैं. होटल्स से सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं होटल से कैसे बात कर किस बारे में बात कर रही हूँ. जैसे कैबिन क्रू एक लेओवर पे जाती है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि लेओवर का मतलब क्या होता है. देखो, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना गाइस, मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे बनाती हूँ कि जो कन्फ्यूजन्स मुझे थी एक कैबिन क्रू बनने से पहले, वो कन्फ्यूजन्स आपको ना रहे. यही कन्फ्यूजन्स मुझे थी जब मैं एक कैबिन क्रू नहीं थी, तो मैं भी यही कन्फ्यूजन्स में रहती थी कि एक लेओवर क्या होता है, कैबिन क्रू कहाँ पे एग्जैक्टली रहती है, और उसका बेस स्टेशन का क्या मतलब होता है, एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग टाइप होते हैं. तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना था इस बारे में, पर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था कि क्या होता है. तो वही चीज़ मैं नहीं चाहती कि किसी और के भी दिल में कोई कन्फ्यूजन रहे, इसीलिए मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि लेओवर का क्या मतलब होता है. लेओवर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज आपको आपकी एयरलाइंस ने एक फ्लाइट दी है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से इंदौर. तो मान लीजिए आज आपकी कंपनी ने आपको ये फ्लाइट दी है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से इंदौर, लेकिन इंदौर से आपको वापस दिल्ली नहीं भेजना चाह रहे हैं, वो आपको इंदौर से अगले दिन कहीं और फ्लाई करना चाह रहे हैं. तो इंदौर में आपका एक लेओवर होगा. लेओवर को बोलते हैं नाइट स्टे, यानी कि आप यहाँ से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से इंदौर जाएंगे, और इंदौर जाके आप रुकेंगे एक दिन के लिए. तो वो जो एक दिन का स्टे होगा, जो नाइट स्टे होगा, उसे बोलते हैं लेओवर. नेक्स्ट डे आप इंदौर से फ्लाई करेंगे, इंदौर से आपकी फ़्लाइट्स होगी कहीं कहीं, जहां सब भी आपकी फ़्लाइट होगी इंदौर से, वहां से आप वापस आएंगे दिल्ली. तो जो आपका नाइट स्टे होगा वो होता है लेओवर. अब उस लेओवर पे आपको किस टाइप के होटल्स मिलते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं. चलिए देखते हैं किस टाइप के होटल्स कैबिन क्रू को मिलते हैं. देखा कि कैबिन क्रू को किस टाइप के होटल्स मिलते हैं. ये होटल्स मैं आपको बताऊं कंप्लीटली सेफ होते हैं. दूसरी चीज़ इन होटल्स में आपको लॉन्ड्री सर्विस मिलती है. इन होटल्स में आपको वाईफाई मिलता है, 3 टाइम का मील मिलता है, बेवरेजेस मिलती हैं, बूफे सर्विस मिलती है. तो ये चीज़ें आपको होटल सर्विस देती है, और ये कंप्लीटली कंपनी की तरफ से होता है. आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है. तो ये चीज़ें आपको, आप कहीं जहाँ भी जाएं वहाँ पे आपको जब जो भी लेओवर मिलते हैं, आपको महीने में 3 लेओवर मिले, 4 लेओवर मिले, जितने भी आपको लेओवर मिलते हैं, तो आप इन्हीं टाइप के होटल्स में स्टे करते हैं. और ये सारे होटल्स 5 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं. कंपनी आपको, जब आप इंदौर एयरपोर्ट पे मान लीजिए उतरते हैं, तो वहाँ से कंपनी आपको एक कैब भेजती है. वो कैब आपको एयरपोर्ट से पिक करके होटल तक लेके जाती है. होटल पे आपका ड्रॉप होता है, आप चेक इन करते हैं, अपने रूम में जाते हैं. रूम में जाने के बाद आप नेक्स्ट डे जिस टाइम भी आप निकलेंगे, उस टाइम पे भी आपको होटल की कैब मिलेगी. उसी होटल से आप एयरपोर्ट जाएंगे उसी कैब में. तो ये सारी सर्विसेज आपकी एयरलाइंस की रहती है. तो जब भी आप अपने लेओवर पे जाते हैं, तो आप एक होटल में रुकते हैं, और होटल किस टाइप के होते हैं वो हमने देख लिया है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो,
प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी जो भी आपकी क्वेरीज होगी. मुझे जहाँ पे भी लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ, मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगी. मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना बना के आपके लिए लाती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.